प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप मतलब दो तीन या चार व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करे और वर्ष के अंत में वो लाभ का बंटवारा करे। तो कैसे करेगा, बस यही हमको देखना है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में तीन शब्द की बात करेगा वो, एक करेगा लाभ का, है ना, पूंजी का और समय का। बस यही तीन सवाल हमसे करता है कि फलना का लाभ क्या है, बी का पूंजी क्या है, सी का समय क्या है, ए का लाभ क्या है। इस ढंग से कुछ क्वेश्चन हमसे करता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये लाभ पूंजी और समय का रिलेशन याद रखना है। ठीक है, ये रिलेशन होता है, यहां पे गौर कीजिएगा। अगर आपसे लाभ पूछे तो कुछ नहीं करना है, पूंजी और समय को गुना कर देना है, बस आपको लाभ का रेशियो निकल आएगा। अगर आपसे पूंजी पूछ दे तो जब पूंजी पूछेगा तो समय को इधर करिए तो क्या निकल जाएगा, लाभ बटा समय। क्लियर? और अगर आपसे समय पूछ दे, ठीक है, तो क्या करना है, पूंजी को इधर कर देंगे, लाभ बटा पूंजी। बस ये तीन ही चीज आपको याद रखना है ना, उसके बाद आप क्वेश्चन हल करेंगे, बन जाएगा। तरीका हम बताते हैं, चलिए तो देखते हैं। बस थ्योरी इतना ही है, ज्यादा नहीं है ना, बस इसको क्वेश्चन के द्वारा हम बनाएंगे कैसे, इसको सीख लेते हैं, इसको डेवलप कर लेते हैं। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए पार्टनरशिप का पहला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, पार्टनरशिप में कोई जान नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है ना। इसमें तीन ही सवाल आपसे करता है, या तो लाभ पूछ दे, या फिर समय पूछ दे, या फिर पूंजी पूछ दे। ठीक है, तो जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो सबसे पहले देखें कि प्रश्न में हमसे सवाल क्या कर रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखें, आपसे सवाल क्या कर रहा है, तो कहता है कि 50,400 रुपया के लाभ में से बी का भाग क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमसे पूछ रहा है लाभ, क्या पूछ रहा है, लाभ क्या होगा। क्लियर? बस यही आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में हमसे सवाल क्या कर रहा है, तो सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, लाभ। ठीक है, तो यहां देखिए, जब भी लाभ पूछे तो फौरन आप लाभ लिख दीजिए, है ना। अब सोचना है कि लाभ निकलता कैसे है, तो लाभ निकलता कैसे है, तो पूंजी और समय को गुना करके, पूंजी और समय को गुना करके। क्लियर? अब ढूंढिए कि पूंजी और समय सबका कितना कितना है। तो आपका क्वेश्चन एक बार यहां पे गौर से देखिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कहता है कि ए बी और सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपया, 13,800 रुपया तथा 19,200 रुपया लगाए। मतलब पूंजी तो साफ दिखाई दे रहा है कि ए का है 10,200, बी का है 13,800 और सी का है 19,200 रुपया। उसके बाद कहता है वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपया के लाभ में से। मतलब बात यहां पर भी स्पष्ट है कि वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार एक वर्ष तक चला है और सबका पूंजी एक एक वर्ष तक रहा है। बस बना डालिए, ऐसे बनाइएगा। यहां देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तीनों व्यक्ति हो गया। कितना कितना पूंजी लगाया था, तो गौर से देखिए प्रश्न को देखिए। ए लगाया है 10,200 रुपया, नहीं, बी लगाया है कितना, तो 13,800 रुपया, सी कितना लगाया है, तो 19,200 रुपया। चलिए, ये तीनों का पूंजी हो गया। और पहले देखें कि सबका पूंजी व्यापार में कितना कितना दिन तक रहा, तो एक एक वर्ष तक रहा। इसका पूंजी एक वर्ष तक रहा, इसका पूंजी भी एक वर्ष तक रहा, इसका पूंजी भी एक वर्ष तक रहा। पूंजी और समय को हम गुना कर दिए, क्या निकल आया मेरा, लाभ। बस यही लाभ का रेशियो हो गया। अब इसको हल कर ले तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 6 मरतबे कट रहा है। देखिए, नहीं, 17 शका 2 तल से आई, शेष 6 दूनी 12, शेतिया 18 आई शेतिया 18 6 दूनी 12। मतलब इसका लाभ का अनुपात निकल आया 17:23:32। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर लेगा लाभ में हिस्सा 17 रुपया तो बी लेगा 23 रुपया, सी लेगा 32 रुपया। नहीं, जबकि कुल लाभ कितना हुआ है 50,400। कुल लाभ कितना हुआ है, आप प्रश्न में देखेंगे, कुल लाभ हुआ है 50,400। नहीं, कितना लाभ हुआ है, 50,400।
कुल लाभ 50,400, लेकिन आपका यहां पर देखिए कुल लाभ अनुपात के रूप में कितना दिखाई दे रहा है, तो 17, 23 और 32, 17, 23 और 32, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 7, 3, 10, 2, 12 के 2 बाकी 1, 2 और 2, 4, 3, 7, अनुपात के रूप में कुल लाभ कितना हुआ 72, लेकिन वो दिया है कितना कुल लाभ 50,400 रुपया, नहीं तो ये लाभ हुआ, ये भी कुल लाभ ही हुआ, लेकिन अंतर है कि ये अनुपातिक लाभ हुआ, ये वैल्यू हुआ, ये रुपया में तो पैसा में ही, फारसी में तो अंग्रेजी में ही, उर्दू में तो फारसी में, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज ना। तो जिस प्रकार से 5 रुपया बराबर 500 पैसा करते थे, उस प्रकार से अनुपातिक 72 बराबर 50,400 रुपया, बस। तो अब ऐसे समझिए, 72 सिक्का का वैल्यू हुआ 50,400 रुपया। आपका पूछता है कि बी का लाभ क्या होगा, मतलब 23 सिक्का का वैल्यू निकालना है, के सिक्का का वैल्यू, 23 सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस। तो 50,400 × 72 × 23, क्लियर, मतलब 72 सिक्का का वैल्यू 50,400, तो 23 सिक्का का वैल्यू कितना होगा, 50,400 × 72 × 23, काट दीजिए तो कट जाएगा 7 मर्तबे, टोटल हो जाएगा आपको 0, 0, 27 1 बाकी 2, 7 × 14 = 16, 16,100 रुपया, बी का लाभ कितना होगा 16,100, क्लियर, आया समझ में, अगर नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, मतलब टाइप ओवन में टोटल प्रॉब्लम लाभ पर ही आधारित है, ठीक है, चलिए नोट करिए, इसलिए अगर इसमें सुन नहीं आया होगा तो अगला में आ जाएगा, अगला में तो अगला में, मतलब सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का मिलेगा टाइप एक में, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे है, गौर कीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या बोले थे कि प्रश्न जब भी सामने दिखाई दे तो सबसे पहले देखना है कि हमसे सवाल क्या कर रहा है, तो यहां पर भी सवाल कर रहा है कि बी का लाभांश कितना प्राप्त होगा, मतलब इसमें भी हमसे सवाल क्या कर रहा है, लाभ, क्या सवाल कर रहा है, लाभ। आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आपका सवाल हो लाभ से तो फौरन लाभ लिख लीजिए, ठीक है, लाभ निकलता कैसे है, तो पूंजी और समय को गुना करके, आपका टारगेट क्या बन गया कि पूंजी और समय को ढूंढना, ठीक है। चलिए आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पर, आप क्वेश्चन यहां पे गौर से देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए, यहां देखिए, ए बी और सी क्रमशः 5,000 रुपया, 1,000 रुपया और 1,500 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, एक वर्ष बाद बी व्यापार से बाहर हो जाता है, ठीक है, यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 12,000 रुपया का लाभ हो तो बी का लाभ क्या प्राप्त होगा, मतलब पूंजी तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ए का पूंजी 5,000, बी का पूंजी 10,000, सी का पूंजी 15,000, क्लियर, और यहां पे भी साफ दिखाई दे रहा है कि एक वर्ष बाद बी व्यापार से बाहर हो जाता है, मतलब बी का पूंजी एक ही वर्ष तक रहा, और व्यापार चला कितना समय तक, 2 वर्ष तक, व्यापार कितना दिन तक चला, 2 वर्ष तक, क्लियर, क्वेश्चन स्पष्ट है, चलिए बनाइए। चलिए यहां पे भी 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, आपको क्या ढूंढना है, पूंजी और समय, पूंजी पहला लाइन में है, ए का पूंजी साफ दिखाई दे रहा है कितना है 5,000 रुपया, बी का पूंजी कितना है 10,000 रुपया, सी का पूंजी कितना है 15,000 रुपया, चलिए तीनों का पूंजी हमारा मिल गया, अब ढूंढना है समय, क्लियर, समय ढूंढ के क्या कर देना है, गुना कर देना है, पूंजी निकाल लिया, क्या ढूंढना है अब, समय, तो समय के बारे में कह रहा था कि व्यापार 2 साल तक चला है, जबकि 1 वर्ष बाद भी व्यापार से बाहर हो जाता है, 1 वर्ष बाद ये भी क्या होता है, व्यापार से बाहर हो जाता है, अब व्यापार चला है कितना दिन तक, 2 वर्ष तक, व्यापार चला है 2 वर्ष तक, तो सोचिए कि सबका पूंजी कितना कितना समय तक लगा, तो ये शुरू में ही पूंजी लगाया था और अंत तक रहा, इसका मतलब 5,000 इसका 2 वर्ष तक रहा होगा, और बी 1 वर्ष के बाद ही व्यापार से बाहर हो गया है, इसका मतलब बी का पूंजी 1 वर्ष तक रहा होगा, लेकिन सी भी शुरू से अंत तक रहा, इसका मतलब इसका भी पूंजी 2 वर्ष तक रहा होगा, नहीं, मतलब पूंजी और समय का गुना हो गया, पूंजी और समय का गुना हो गया, तो क्या निकल गया, लाभ, बस यही हमारा लाभ का रेशियो हो गया। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, काटिए कैसे,
तो 3 सुना से 3 सुना पहले कट गया, हमको लगता है 5 एका है 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपका लाभ निकल आएगा 1:1:3 नहीं। अब 1 का लाभ हुआ 1, तो बी का लाभ हुआ भी 1, 80 का लाभ हुआ 3, तो कुल लाभ कितना हो गया, तो 1 × 1 = 3 × 2 = 5, कुल लाभ कितना हो गया 5, कुल लाभ आपका निकल आया 5, लेकिन प्रश्न में कितना कुल लाभ दिखा रहा है तो 12,000, अतः 5 का वैल्यू हो गया 12,000, क्लियर, अनुपाती 5 का वैल्यू कितना हो गया 12,000, तो 5 सिक्का का वैल्यू 12,000, तो 1 सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000/5, मतलब 2425 से 2400 रुपया आंसर, क्योंकि हमें बी का ही तो लाभ पूछ रहा था, किसका लाभ पूछ रहा था बी का, कि 12,000 रुपया में बी का लाभ क्या होगा, तो 1 का मतलब 2400, क्लियर, अतः बी का लाभ हो गया 2400 रुपया, नोट करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कहीं ना कहीं वही हमारा सवाल है, क्या बोले थे कि जब भी क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले देखिए कि आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, तो यहां पर भी प्रश्न कर रहा है कि आ और बा का लाभांश का अंतर क्या होगा, मतलब यहां पर भी हमारा सवाल है लाभ, ठीक है, और आपको पहले बोले थे कि जब भी लाभ का सवाल करे तो फौरन लाभ लिख ले, है ना, लाभ निकलेगा कैसे, ये आपको पता है पूंजी और समय को गुना करके, बस हमको टारगेट बन चुका कि हमें पूंजी ढूंढना है और समय ढूंढना है, ढूंढिए, तो यहां पे क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ रहे हैं, गौर से समझिएगा, यहां पे आपका क्वेश्चन कह रहा था कि आ ने 35,000 रुपया की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, 6 माह बाद इसी व्यापार में 60,000 रुपया की पूंजी के साथ बा भी शामिल हो जाता है, 1 वर्ष के अंत में 26,000 रुपया का लाभ होता है, तो आ और बा के लाभ का अंतर क्या होगा, बात स्पष्ट है कि यहां पे 2 व्यक्ति है आ और बा, आ कितना रुपया लगाया है 35,000, बा कितना लगाया है 60,000, ठीक है, अब व्यापार कितना दिन से चला है 1 वर्ष तक, लेकिन 6 माह बाद बा आया है, नहीं, आ ने 35,000 रुपया पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया और 6 माह बाद बा भी 60,000 रुपया पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हुआ, चलिए बनाते हैं, ए हो गया आ और ए हो गया बा, आ कितना पूंजी लगाया 35,000, क्लियर, बा कितना पूंजी लगाया 60,000, लेकिन के माह बाद आया, ये 6 माह बाद आया, 6 माह बाद आया व्यापार में, नहीं, अब व्यापार शुरू कौन किया आ, कितना दिन तक व्यापार चला 1 वर्ष तक, कहता 1 वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार चला 1 वर्ष तक, तो जब व्यापार चला 1 वर्ष तक तो आ तो व्यापार शुरू किया था, इसका मतलब इसका पूंजी शुरू से अंत तक रहा, तो 1 वर्ष का मतलब इसका पूंजी रहा 12 माह तक, और ये 6 माह बाद आया और अंत तक रहा, इसका मतलब इसका पूंजी रहा होगा 6 माह तक, बस समय पूंजी निकल गया, गुना कर देंगे लाभ निकल आएगा, बस हल कर दीजिए, तो सबसे पहले तो 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए, 12×5=60, हमको लगता है कि 7×5=35 भी कट जाएगा, मतलब लाभ का रेशियो निकल गया 7:6, मतलब आ लेगा 7 रुपया लाभ में हिस्सा तो बा लेगा 6 रुपया, इसका मतलब कुल लाभ हो जाएगा 7×13, कुल लाभ कितना हो जाएगा 13, प्रश्न में देखिए कुल लाभ कितना दिखाई दे रहा है 26,000, अतः अनुपातिक 13 = 26,000 रुपया, किसका लाभ पूछता है तो कहता है कि आ और बा के लाभ का अंतर क्या होगा, दोनों के लाभ का अंतर पूछ रहा है, तो आ का लाभ है 7 और बा का लाभ है 6, तो अंतर हो गया 1, अतः 1 का मान निकाल दीजिए, 1 का मान कितना हो जाएगा 200 रुपया, 2000 रुपया, बस यही हमारा आंसर हुआ, क्लियर, चलिए नोट करिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जैसा कि हम बोले थे इसमें आपसे क्या पूछ रहा है लाभांश, क्या पूछ रहा है लाभांश, यहां पर भी हमको लाभ ही पूछ रहा है, जब लाभ पूछ रहा है तो क्या करना है, पहले आपको पता है लाभ कैसे निकलता है, तो लाभ निकलता है पूंजी और समय को गुना करके, बस ये मेरा टारगेट बन गया, उसके बाद है ना, देखिए क्वेश्चन को देखिए एक बार देख लेते हैं, कहता है कि ए और बी कर्मशः 12,000 और 16,000 रुपया पूंजी निवेश करके
एक व्यापार आरंभ करता है, मतलब ए लगाया 12,000 और बी लगाया 16,000, 8 महीने के बाद 15,000 रुपया की पूंजी के साथ सी भी व्यापार में शामिल हो जाता है। के माह बाद 8 माह बाद कौन आता है? सी आता है। अगर 2 साल के बाद, 2 साल के बाद कुल 45,600 रुपया का लाभ हुआ हो तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा? क्वेश्चन तो स्पष्ट हो गया है ना। यहां पे 3 व्यक्ति हैं, पहले तो ए और बी है ना, ए 12,000 रुपया और बी 16,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू कर दिया। उसके बाद 8 माह बाद कौन आ जाता है? सी आ जाता है। कितना रुपया लेकर? तो 15,000 रुपया लेकर 8 माह बाद सी 15,000 रुपया के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक है, फिर बोलता है अगर दो साल का मतलब क्या हुआ? 24 महीना, मतलब व्यापार 24 माह तक चला। इसका मतलब ए शुरू से अंत तक, बी शुरू से अंत तक, सी 8 माह बाद आया और अंत तक रहा। इसका मतलब 24 माह तक व्यापार चला था, इसका पूंजी रहा होगा 24 माह तक, इसका भी पूंजी रहा होगा 24 माह तक, लेकिन ये 8 माह बाद आया, इसका मतलब इसका पूंजी 8 माह कम रहा होगा 24 में से, मतलब 16 माह तक रहा होगा। बस पूंजी समय का गुणनफल निकल गया, मतलब लाभ निकल गया, लाभ का रेशियो निकल गया। इसको काट कूट कर दे, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए काटिए, तो 3 शून्य से 3 शून्य पहले काट दीजिए, उसके बाद हमें लगता है कि 8 3 24, 8 2 16, 8 2 16 ये कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, 4 3 12, 8 3 24 और 5 3 15। ठीक है, ज्यादा बीच बीच हो जाएगा इसलिए एक लाइन हम और बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 12:16:10। अब देखिए 2 मरतबे और कट रहा है, तो काट दीजिए 6 2 12, 8 2 16, 5 2 10। ठीक है, मतलब सिंपल रेशियो आ गया, ए का लाभ होगा 6, तब बी का लाभ होगा 8, तब सी का लाभ होगा 5, तो तीनों का कुल लाभ 814 और 5 19, तीनों का कुल लाभ कितना हो जाएगा 19, 814 5 19। अब प्रश्न में देखिए कि कुल लाभ कितना दिया है, तो 45,600 रुपया कितना दिया है, 45,600, तो अनुपातिक 19 = 45,600 रुपया। क्या पूछता है? सी का लाभ। क्या पूछता है आपसे? सी का लाभ, मतलब 5 का मान निकाल देना है, 5 का मान निकाल दीजिए, तो 45,600 / 19 × 5। ठीक है, काटिए कट जाएगा, 19 2 38, 19 4 76, 2400, 24 25 20 है ना, 120 पर 00, मतलब सी का लाभ कितना होगा, सी का लाभ कितना होगा 12,000 रुपया आंसर। चलिए नोट करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में आपसे सवाल क्या कर रहा है, तो आ को कितना लाभ प्राप्त होगा? कहीं ना कहीं हमको आ का लाभ पूछ रहा है, यहां पर भी क्या पूछ रहा है, लाभ। तो पहले बोले थे कि जब भी प्रश्न में आए तो सबसे पहले देखें कि आपसे सवाल क्या कर रहा है, तो लाभ, लाभ कैसे निकलता है, पूंजी और समय को गुना करके। क्लियर, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए देखिएगा यहां पे गौर से क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आ किसी व्यापार में 600 रुपया पूंजी निवेश करता है, कितना पूंजी लगाता है 600 रुपया, 3 महीने बाद वह उसी व्यापार में 300 रुपया निवेश करता है। ठीक है, चलिए पहले इतना का काम कीजिए, तो कहता है यहां पे आ 600 रुपया लगाकर व्यापार शुरू कर दिया है ना, 3 माह बाद 300 रुपया कौन लगाता है, ब लगाता है 3 माह बाद। ठीक है, 3 माह बाद 300 रुपया के साथ व्यापार में कौन शामिल हो जाता है, ब। क्लियर, आगे थोड़ा सा पढ़िए आगे क्या कहता है, तो आगे कहता है कि व्यापार प्रारंभ होने के 6 माह बाद उबे कर्मशः 300 रुपया पुनः लगाते हैं और 18 माह के बाद उबे 375 रुपया लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो
तो व्यापार प्रारंभ होने के 6 माह बाद, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, व्यापार शुरू हुआ उससे 6 माह बाद, आई तो 3 माह बाद आया ही था, नहीं, इसका मतलब इसका पूंजी 6 माह तक रहा होगा 600 रुपया, और उसके बाद 300 रुपया और निवेश किया होगा तो इसका पूंजी हो गया होगा 900 रुपया। ये भी व्यापार प्रारंभ होने के 6 माह बाद 300 रुपया निवेश किया है, तो 3 माह तो बाद आया ही था, इसका मतलब इसका रहा होगा 3 माह तक 300 रुपया, उसके बाद 300 ये भी लगाया होगा तो इसका पूंजी भी हो गया होगा 600 रुपया, ठीक है, जो अंत तक रहा होगा। अब व्यापार चला है 18 माह तक, कहता 18 माह बाद वे 375 रुपया का लाभ प्राप्त करता है, मतलब व्यापार चला है 18 माह तक, तो 6 माह तो यहां तक से यहां तक बीत गया, 6 माह तो बीत गया, 18 माह तक व्यापार ही चला है, इसका मतलब शेष पूंजी 12 माह तक रहा होगा, 18 माह में से 6 माह तो शुरू में ही पार हो गया, तो शेष पूंजी 900 रुपया इसका रहा होगा 12 माह तक, और 600 भी इसका रहा होगा 12 माह तक, बस पूंजी समय निकल आया, मतलब लाभ का रेशियो निकल गया। अब इसको हल कर दीजिए, तो शेष का 36 और बढ़नामा 78 से इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 144 पर 00। यहां पे देखिए 3 * 3 = 9 अब वर्ष का 72 कितना हो जाएगा 8100 रुपया इसका हो गया, काटिएगा तो कट जाएगा 2 * 2 = 0। 16 * 44 से और 9 * 81 16:9, मतलब ये दोनों के लाभ का अनुपात निकल गया 16:9, तो आ लेगा 16 रुपया लाभ, अब आ लेगा 9 रुपया, तो दोनों का लाभ हो गया 16 * 9 = 25 रुपया, और यहाँ पे कुल लाभ कर रहा है 375 रुपया, कितना कर रहा है 375 रुपया, और यहाँ से कुल लाभ कितना निकल रहा है 25, तो अनुपातिक 25 = 375 रुपया। किसका लाभ पूछ रहा है? आपका, आपको कितना लाभ मिला, मतलब ये वाला हमारा सवाल है कि आपको कितना लाभ मिला, तो 16, तो 16 का मान निकाल दीजिए, तो 375 / 25 * 16 काट दीजिए एक मरतबे, इतना है ना, कितना आ जाएगा 240 रुपया, क्या निकला ये आ का लाभ, आ का लाभ। चलिए नोट कीजिए आंसर, ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ठीक है, कि बी और सी, बी का लाभांश सी के लाभांश से कितना अधिक है, मतलब यहां पर भी हमारा सवाल है लाभ, नहीं यहां पर ये प्रश्न में पूछ रहा है कि बी और सी के लाभ का अंतर क्या होगा। चलिए तो शुरू हो जाइए, लाभ कैसे निकलता है, पूंजी और समय को गुना करके, क्लियर। चलिए एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं, कहता है आपका प्रश्न नंबर 6 कि ए और बी क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, कितना पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया 16,000 और 12,000। चलिए शुरू हो जाते हैं, कहता है ए और बी क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू करता है, क्लियर, पूंजी निकल गया। उसके बाद आगे बोलता है, फिर प्रश्न देखते हैं, 3 माह बाद ए अपनी पूंजी से 5,000 रुपया निकाल लेता है, के माह बाद व्यापार शुरू कर दिया ए और बी, कहता है उसके बाद कि 3 माह बाद ए अपनी पूंजी से 5,000 रुपया निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 रुपया निवेश कर देता है, जबकि बी 5,000 रुपया और लगा देता है, इसका मतलब यह हुआ कि 3 माह तक इसका पूंजी रहा होगा 16,000 और उसके बाद ये 5,000 निकाल लिया होगा तो इसका पूंजी बच गया होगा 11,000 रुपया, और बी 3 माह बाद 5,000 रुपया लगा दिया होगा तो मतलब इसका पूंजी हो गया होगा 17,000 रुपया जो शेष माह तक रहा होगा, क्लियर। अरे कह रहा है कि 16,000 और 12,000 से ए और बी व्यापार शुरू किया, 3 माह बाद ये 5,000 रुपया निकाल लेता है और ये 5,000 रुपया और लगा देता है, तो 5,000 निकाला तो 16 में से 5 गया 11 हो गया, और ये 5,000 और लगा दिया तो 12 * 5 = 17,000 हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है कि 3 माह और बाद, 3 माह के और बाद, मतलब शुरू से 6 माह बाद,
तीन माह और बाद, मतलब शुरू से 6 माह बाद इसी व्यापार में 21,000 रुपया पूंजी के साथ सी भी शामिल हो जाता है। मतलब सी भी आ गया शुरू से 6 माह बाद, यहां से 3 माह और बाद, तो मतलब शुरू से क्या माह बाद, 6 माह बाद कितना पूंजी लेकर आया, 21,000 रुपया पूंजी के साथ सी भी शामिल हो जाता है। एक वर्ष बाद कुल लाभ 26,400 का होता है। मतलब स्पष्ट है कि व्यापार एक वर्ष तक चला, तो एक वर्ष तक चला तो एक वर्ष में तो 12 माह होता है, तो 12 माह में तो 6 माह पार हो गया, 6 माह बाद ना आया 21,000 लेके, तो इसका मतलब इसका पूंजी व्यापार में रहा होगा 6 माह तक। और ये दोनों का पूंजी तो 3 माह बाद 5,000 रुपया निकाल लिया था, तो 11,000 रुपया रहा होगा 9 माह तक, और ये भी 3 माह बाद 5,000 रुपया लगा दिया था, इसका मतलब 17,000 इसका रह गया होगा, निकल गया। बस इसको हल कर दें आपका लाभ निकल जाएगा। तो कैसे निकालेगा, 37,48 और 91,99 कितना हो जाएगा, 9,800 के साथ बाकी है 147,000, नहीं कितना आ गया ये 147,000 अनुपात, इसका निकालिए तो 12,36 और 97,53 189, इसका हो गया 189,000 और इसका हो जाएगा 6×12 इतना रुपया। बस हल कर दीजिए, 3×0 कैंसिल, और हमें लगता है कि 21 से सब कट रहा है, 21,47,91,89 और 21,26 कट गया, मतलब ए का लाभ होगा 7, तो बी का लाभ होगा 9, तो सी का लाभ होगा 6, तो तीनों का कुल लाभ कितना हो गया, 9, 7, 16, 22 कुल लाभ हो गया हमारा 22, तानुपातिक 22 बराबर, प्रश्न दिया हुआ है 26,400, तानुपातिक 22 बराबर 26,400 रुपया। हमसे पूछता है कि बी का लाभांश सी के लाभांश से कितना अधिक है, बी का लाभांश सी के लाभांश से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, बस 3 का मान निकाल दीजिए, तो हो गया 26,400/22 अगुना 3 कट जाएगा, 1/2 = 44 कितना से 1200, तो 1236 रुपया, ठीक है आंसर। बी का लाभांश सी के लाभांश से कितना अधिक है, 3600 रुपया। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहता है कि ए का लाभ प्राप्त होगा, मतलब ए का लाभ हमसे पूछ रहा है, नहीं यहां पर भी हमसे सवाल कर रहा है लाभ, जैसे कि आपको हम प्रश्न बोले थे कि कभी भी क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले देखिए कि हमसे सवाल क्या कर रहा है, तो लाभ शुरू हो जाइए। तो जब लाभ हमसे पूछ रहा है तो लाभ निकालिए, कैसे निकलता है, तो लाभ होता है पूंजी गुना समय, दोनों का पूंजी समय को ढूंढिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है ए बी और सी की पूंजी का अनुपात कितना है, 1/2, 1/3 या 1/4 है, तो इससे डरना नहीं है, बटा में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे हम बताते हैं, यहां पे कहता है ए बी और सी के पूंजी का अनुपात 1/2 / 1/3 / 1/4 है, तो ये बटा में अनुपात दिया है, तो आपको पता है कि बटा में हो तो सिंपल में कैसे बदलते हैं, तो बस हर के एलसीएम से गुना कर देंगे, तो 2, 3, 4 का लासा हो जाएगा 12, तो 12 से सब में गुना कर दीजिए, अपने आप ये सिंपल में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6×12, ए का पूंजी हो गया 6, बी का पूंजी हो गया 4, सी का पूंजी हो गया 3, बस इसको फौरन आप सिंपल में बदल दिए। अब आपका क्वेश्चन हो गया कि ए बी और सी के पूंजी का अनुपात 6:4:3 है, मतलब ए लगाया 6 रुपया तो बी लगाया 4 रुपया, सी लगाया 3 रुपया, व्यापार प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। उसके बाद बोलता है यहां पर देखिए, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, और 8 महीने और बाद यदि 10,112 रुपया का लाभ हो, ठीक है, तो 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया का मतलब हो गया कि ए का पूंजी 6 रुपया रहा होगा 4 माह तक,
और उसके बाद आधा निकाल लिया होगा तो बचा कितना होगा? 3 रुपया। 6 रुपया में से आधा निकाल लिया होगा तो बचा कितना होगा? 3 रुपया, जो शेष माह तक रहा होगा। शेष माह का मतलब कितना दिन तक? तो प्रश्न कहता है कि 4 माह बाद ये आधा पूंजी निकाल लेता है और 8 माह और बाद, इसका मतलब व्यापार हो गया 4 और 8, 12 माह तक। 12 माह तक तो इसका शेष 3 रुपया रहा होगा 8 माह तक, लेकिन 20 शुरू से अंत तक रहा तो शुरू वाला भी 4 महीना में रहा और उसके बाद और 8 माह बाद का बात किया उसमें भी रहा होगा, मतलब बी का पूंजी रहा होगा भी 12 माह तक, सी का पूंजी भी रहा होगा 12 माह तक, है ना। 8 माह और बाद का मतलब हो गया 8, 4, 12, 12 महीना तक व्यापार चला। तो 12 महीना तक चला तो ए का पूंजी 4 माह तक रहा 6 रुपया, उसके बाद आधा निकाल लिया तो बचा 3 रुपया, जो और 8 माह तक रहा होगा, 20 शुरू से अंत तक रहा मतलब 12 माह तक रहा होगा, 80 का 3 रुपया भी अंतिम तक मतलब 12 माह तक रहा होगा। बस यही हमारा लाभ निकल गया। अब इसको हल कर दीजिए। हल करना बहुत आसान है। कैसे करिएगा? तो 6, 4, 24, 8, 3, 24, 24 और 24 कितना हो गया? 48। ये भी हो जाएगा 48, ये भी हो जाएगा 36। लगता है 12 से कट जाएगा तो हो जाएगा आपको 12, 48, 12, 36, 4:4:3 लाभ का अनुपात, कुल लाभ 4, 4, 8, 3, 11। तो अनुपातिक 11 बराबर, वहां देखिए कुल लाभ कितना है, तो 1012 रुपया। तो अनुपातिक 11 बराबर 1012 रुपया। क्या पूछता है? तो ए को कितना लाभ प्राप्त होगा? ए को कितना लाभ प्राप्त होगा? ए का लाभ हमसे पूछ रहा है, तो ए को कितना लाभ प्राप्त होगा? 4। तो 4 का मान निकाल दीजिए। 4 का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 10, 12, 11, 99, 11, 22, तो हो गया 4, 2, 8, 9, 4, 36, 368 रुपया आंसर। क्लियर? चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, है ना। इसमें हमारा सवाल क्या है? तो बस वही है कि लाभ का अनुपात क्या होगा। मतलब हमसे यहां पर भी सवाल कर रहा है कि लाभ का अनुपात क्या होगा, मतलब लाभ निकालना है, लाभ निकालना है, लाभ निकालना है। तो आपको पता है लाभ कैसे निकलता है? पूंजी और समय को गुना करके। क्लियर? चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आ और बा संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करता है जिसमें दोनों कर्मशः 5,000 रुपया निवेश करते हैं, लेकिन 8 महीने बाद वह अपनी पूंजी का 2/5 बाहर निकाल लेता है। तो बताइए कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। वर्ष के अंत में का मतलब एक वर्ष तक व्यापार चला। चलिए शुरू हो जाइए। यहां देखिए कहता है कि आ और ब मिलकर एक व्यापार शुरू करता है और दोनों 5,000 रुपया निवेश करता है। क्लियर? 5,000 रुपया निवेश करता है, लेकिन 8 महीने बाद अपनी पूंजी का 2/5 निकाल लेता है। 2/5, पूंजी 5 था तो 5 का 2/5 मतलब 2 रुपया मतलब 2,000 निकाल लेता है। के महीने बाद? 8 महीने बाद। इसका मतलब इसका 5 रुपया रहा होगा 8 माह तक, है ना। उसके बाद 2,000 निकाल लिया होगा तो बचा होगा 3,000, जो रहा होगा 4 माह तक। क्यों? क्योंकि वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष तक व्यापार चला है, तो 8 महीना तो रहा 5,000, तो बाकी 4 महीना रहा 3,000, 2,000 निकाला तो। लेकिन इसका पूंजी तो शुरू से अंत तक रहा मतलब 12 माह तक रहा। बस अब हल कर दीजिए। तो ये हो गया 12, 25, 60, आइए हो गया 8, 25, 40, 12, 52। चलिए काटिए तो 15, 14, 60, 13, 52, मतलब आ का लाभ 15 और बा का लाभ 13। हमसे सवाल भी कुछ यही था कि दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, तो 15:13। चलिए नोट करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या हमसे पूछ रहा है? तो बी को कितना लाभ मिलेगा। मतलब यहां पर भी सवाल है बी का लाभ, मतलब हमसे लाभ पूछा जा रहा है। चलिए लाभ 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 कैसे निकलता है? तो पूंजी और समय को गुना करके। क्लियर? पूंजी ढूंढिए, समय ढूंढिए, गुना कर दिए, लाभ का रेशियो निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से पहले क्वेश्चन को समझिए। यहां पे कहता है कि ए और बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। क्लियर?
तथा चार अनुपात पांच के अनुपात में धन लगाया। मतलब ये अनुपात से आपको टेंशन नहीं लेना है, ये चार और पांच के अनुपात में धन लगाया का मतलब हुआ कि ये 4000 लगाया तो भी 5000 लगाया, ठीक है। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया और व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 3800 रुपया के लाभ में से बी का लाभ क्या होगा। मतलब व्यापार चला 10 माह तक, क्लियर। चलिए बनाते हैं। तो यहां पे दो व्यक्ति है आ और ब। प्रश्न क्या कह रहा था कि आ और ब मतलब ए और बी, ए और बी कहता था कि 4:5 में धन लगाया। मतलब ए 4000 लगाया तब बी कितना लगाया 5000, चलिए पूंजी हो गया। आगे बोला था कि 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग, 3 माह बाद कितना अपनी पूंजी का 1/4, इसका पूंजी था 4, 4 का 1/4 मतलब कितना 1000 रुपया निकाल लिया। तथा बी पूंजी का 1/5 मतलब इसका पूंजी 5 था, इसका 1/5 मतलब कितना 1000 रुपया निकाल लिया, ये भी 3 माह बाद ही। फिर से सुनिए, ए और बी क्रमशः 4:5 में धन लगाया। मतलब ए लगाया 4000 तो बी लगाया 5000। 3 माह बाद क्या परिवर्तन हुआ कि अपनी पूंजी का ए 1/4 और बी 1/5 निकाल लिया। 1/4 का मतलब एक निकाल लिया, के माह बाद 3 माह बाद। इसका मतलब 4000 रहा होगा 3 माह तक और उसके बाद 1000 निकाल लिया होगा तो 3000 रहा होगा शेष माह। चूंकि व्यापार चला है 10 माह तक तो शेष कितना हो गया 7 माह, नहीं 10 माह में से 3 माह तो 4 रुपया रहा तो बाकी 7 माह। उसी प्रकार से बी का ये 5000 रहा होगा 3 माह तक, उसके बाद 1000 ये भी निकाल लिया होगा, 1/5 मतलब 1000, तो इसका बचा होगा 4000 जो रहा होगा शेष माह में 7 माह तक, क्योंकि व्यापार चला है वर्ष तक नहीं 10 माह तक। तो 10 माह में 3 माह गया तो कितना माह बचा 7 माह। बस पूंजी और समय का गुणनफल निकल गया, अब निकाल दीजिए, है ना। तो हल करिए, हल कैसे करिएगा तो 12 और 21 33, लाभ 33। यहां देखिए 15 और 28 43, मतलब ए का लाभ 33 तो बी का लाभ 43, तो दोनों का कुल लाभ कितना हुआ तो 6 4 3 7 अनुपातिक 76। लेकिन प्रश्न क्या था, दोनों का कुल लाभ हुआ है 3800 रुपया, कितना लाभ हुआ है 3800 रुपया, तो अनुपातिक 76 बराबर 3800, तो बी को कितना लाभ मिला तो बी का लाभ 43 मिला। तो 43 का मान निकाल दीजिए, बी का पूछ रहा है तो बी का कितना मिला 43, 43 का मान निकाल दीजिए तो 3800/76 × 43, है ना, काट दीजिए, कटेगा जी, हाँ 5 मिनट में कट जाएगा, कितना हो गया जी 0 5 15 5 = 5 5 = 20 है 2150 रुपया आंसर। मतलब बी को कितना लाभ मिला 2150 रुपया आंसर। चलिए चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, बी का लाभांश ज्ञात करें, ठीक है। मतलब यहां पर भी हमसे लाभ ही पूछ रहा है, क्लियर। चलिए शुरू हो जाइए, लाभ कैसे निकलेगा तो आपको पता है, पूंजी और समय को गुना करके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी ने मिलकर एक संयुक्त व्यापार आरंभ किया, क्लियर। ए पूंजी का आधा भाग 1/3 समय के लिए लगाता है तथा बी पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, क्लियर। अब ये 1/2 1/3 से घबराना नहीं, जैसे बनाते थे वैसे बनाना है। ए बी और सी यहां पे 3 व्यक्ति हैं। अब पूंजी कैसे लगा रहा है तो यहां पर ध्यान दीजिए, ए पूंजी का आधा भाग 1/3 समय के लिए, तो आधा भाग का मतलब हो गया 1/2 भाग 1/3 समय के लिए, ये पूंजी हो गया इस समय। बी के बारे में बोलता है कि
कि बी एक बटा तीन भाग एक बटा चार समय के लिए, तो एक बटा तीन भाग एक बटा चार समय के लिए। और सी के बारे में बोल रहा है कि शेष पूंजी, शेष पूंजी मीन्स क्या हुआ, तो यहां पर देखिए शेष पूंजी हो गया, जब भिन्न की बात होती है तो पूरा पूंजी होता है एक, तो एक रुपया में से एक बटा टू रुपया लगाया ए और एक बटा तीन रुपया लगाया बी, तो शेष बचा कितना, एक घटाव पांच बटा सिक्स मतलब एक बटा सिक्स। क्लियर, शेष पूंजी जो एक बटा सिक्स बचा वो कौन लगाया, सी, पूरे समय के लिए मतलब एक वर्ष के लिए। क्लियर, बस पूंजी समय का गुणनफल मीन्स अनुपात का रेशियो निकल चुका मेरा। अब इसको आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक बटा सिक्स अनुपात एक बटा बारह अनुपात एक बटा सिक्स। आपको बताए थे कि कभी भी रेशियो बटा में आ जाए तो हर के एलसीएम समय गुना कर देंगे, तो हर का एलसीएम बारह, बारह से गुना कीजिए तो हो जाएगा दो अनुपात एक अनुपात दो, मतलब ए को लाभ मिलेगा दो, तो बी को मिलेगा एक, तो सी को मिलेगा दो, मतलब टोटल हो जाएगा दो एक तीन अदू पांच, टोटल आप कितना हो गया पांच, और प्रश्न में टोटल आप कितना दिखा रहा है एक हजार, तनुपातिक पांच बराबर एक हजार रुपया। तो बी का लाभ क्या है, हमसे बी का लाभ पूछ रहा है, बी का मतलब एक, तो एक का मान निकाल लीजिए कितने बी का लाभ, तो एक हजार बटा पांच मतलब कितना हो जाएगा जी दो सौ रुपया एंसर। चलिए नोट करें, देखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह कहता है दो मित्र ने 1500 रुपया और 2500 रुपया पूंजी निवेश किया, उबे व्यापार में 800 रुपया का लाभ प्राप्त किया, लाभ का आधा भाग आपस में 50-50 बराबर बांट लिया और आधा भाग को पूंजी के अनुपात में बांटता है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला मित्र का लाभांश क्या होगा, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका पहला मित्र हो गया और ये आपका दूसरा मित्र हो गया, कितना कितना पूंजी लगाया, तो पहला मित्र लगाया 1500 रुपया और दूसरा मित्र लगाया 2500 रुपया। क्लियर, मतलब इसका पूंजी का अनुपात अगर देखा जाए तो हो गया तीन अनुपात पांच, काटेगा तो आ जाएगा तीन अनुपात पांच। कुल लाभ, कुल लाभ कितना हुआ उसको 800 रुपया, 800 रुपया में से वो 400 रुपया को आधा 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 बांट लिया, अब बाकी जो 400 रुपया बचा उसको पूंजी के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में के मतलब तीन अनुपात पांच में बांटा। तो ऐसी स्थिति में दोनों मित्र में से पहला मित्र का हिस्सा क्या होगा, ये हमारा प्रश्न बना डालिए। चलिए पहला मित्र का हिस्सा आपका हो जाएगा, चलिए दोनों को निकाल देते हैं, पहला मित्र हो गया ये दूसरा मित्र हो गया, तो पहला मित्र का हिस्सा क्या होगा, तो शुरू में 800 का आधा मतलब 400 को तो आधा आधा बांटा, तो 400 के आधा आधा बांटा होगा, तो पहला मित्र लिया होगा 200 और दूसरा मित्र भी इसमें से लिया होगा 200, बाकी ये 400 रुपया को पूंजी के अनुपात में मतलब तीन अनुपात पांच में बांटा होगा, तो पहला मित्र को कितना मिला होगा, तो तीन बटा आठ गुना 400 मिला होगा इसमें से, दूसरा मित्र को इसमें से कितना मिला होगा, तो पांच मिला होगा, तो पांच बटा आठ गुने 400 मिला होगा। जब इसको हल करिएगा तो आठ पचे 40 150, मतलब पहला मित्र को मिला होगा 350 रुपया, जो आपका प्रश्न में पूछा जा रहा है, नहीं पहला मित्र का उत्तर हो जाएगा 350 रुपया और दूसरा मित्र को अगर देखा जाए तो मिल जाएगा 450 रुपया। क्लियर, ऐसे हमारा प्रश्न है कि पहला मित्र को कितना मिला, तो पहला मित्र को मिला 350 रुपया एंसर। चलिए नोट करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कहता है कि ए का हिस्सा कितना प्राप्त होगा, ये ना क्वेश्चन है कि ए का लाभ क्या होगा, ए का लाभ क्या होगा, तो यहां पे गौर से देखिए, समय सबका बराबर है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं गौर से समझिएगा, कहता है कि ए बी और सी एक साझा व्यापार स्टार्ट करता है, ए राशि का एक बटा तीन भाग देता है, ये कितना दिया, राशि का एक बटा तीन भाग, जबकि बी अकेला ए और सी इकट्ठे जितना देता है उतना ही देता है, यदि वर्ष के अंत में कुल 840 रुपया का लाभ हो, कुल कितना का लाभ हो 840 रुपया का लाभ हो, तो ए का हिस्सा क्या हो,
समय को कहीं कोई जिक्र नहीं है। यहां पे पहलका लाइन में स्पष्ट यहां पे कह रहा है, पहलका लाइन को गौर से देखिएगा, पहलका लाइन ए राशि का एक बटा तीन भाग देता है, ए राशि का एक बटा तीन भाग देता है, ए राशि का एक बटा तीन भाग देता है, ए राशि का एक बटा तीन भाग देता है। अरे भाई जब एक बटा तीन भाग ये लगाया है पूंजी, अतः कुल लाभ मिलेगा एक बटा तीन। सोचना क्या है, मतलब कुल लाभ हुआ है 840, 840 का एक बटा तीन लेगा, मतलब 280 रुपया लेगा। उत्तर 280 रुपया, एंसर एक ऐसा। बीच वाले और भी सेंटेंस पर फुलिया से हमको इस क्वेश्चन का उत्तर निकालने में उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो जितना पूंजी लगाएगा उतना लाभ लेगा। तो एक कितना पूंजी लगाया, एक बटा तीन भाग, अतः कुल का एक बटा तीन भाग लाभ लेगा। तो कुल 840 का लाभ हुआ तो उसका एक बटा तीन मतलब 280 का लाभ लेगा। बस सोचना क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ए बी और सी एक संयुक्त व्यापार स्टार्ट करता है। ए हिस्सा, ए का हिस्सा नहीं, 100 रुपया के लाभ में 25 रुपया है। ए इस व्यापार में 125 रुपया लगाता है और बी इसी व्यापार में 175 रुपया लगाता है, तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा, मतलब बी का लाभ पूछ रहा है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, है ना। अगर इसको गौर से देखा जाए तब इसमें ए और बी से ही मतलब हमको है, क्योंकि ए इस व्यापार में 125 रुपया लगाता है और बी इस व्यापार में 175 रुपया लगाता है, क्लियर। और बी का लाभ हमसे पूछ रहा है, तब को सी से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। चलिए बना दीजिए, ए और बी लाभ निकालना है तो पूंजी देखिए, तो ए का पूंजी है 125 रुपया लगाया है, अब बी लगाया है 175 रुपया। समय का जिक्र नहीं है का मतलब सबका समान समय तक रहा होगा, क्लियर। अब हो जाएगा 25 से 75 से 5:7 लाभ का अनुपात। अब ए का लाभ दिया हुआ है कि ए का हिस्सा 100 रुपया के लाभ में 25 रुपया मिलता है, ए को कितना लाभ मिला है 25 रुपया, तो अनुपातिक 5 का वैल्यू 25, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 7 का वैल्यू 35, मतलब बी का लाभ कितना मिल जाएगा 35 रुपया, एंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है कि ए बी और सी ने मिलकर 50,000 रुपया पूंजी लगाया, ए की पूंजी बी की पूंजी से 4,000 रुपया अधिक तथा बी का पूंजी सी से 5,000 रुपया अधिक है, 30,000 रुपया के लाभ में से ए का लाभ क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे गौर कीजिए कि ए बी और सी मिलकर एक व्यापार शुरू किया है ना, तीनों मिलकर कितना लगाया 50,000। अब यहां पे थोड़ा सोचिए, कंडीशन दिया है कि ए का पूंजी बी के पूंजी से 4,000 रुपया अधिक है, मतलब ए का पूंजी अगर 100 रुपया हो तो इसका पूंजी हो जाएगा 1+4,000 रुपया अधिक है। फिर बोलता है बी का पूंजी सी के पूंजी से 5,000 रुपया अधिक है, इसका पूंजी 5,000 रुपया इससे अधिक है, इसका मतलब इसका पूंजी 5,000 रुपया बी से कम होगा। आइए तीनों मिलके कितना लगाया था 50,000, क्लियर। बस हल करके एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो एक्स कितना हो गया 3x बराबर 4,000 और 5,000 माइनस 5,000, तो 1,000 अगर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 51,000 रुपया। अरे 4,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000, माइनस 1,000 को उधर करोगे तो प्लस 1,000, मतलब कितना हो जाएगा 51,000, मतलब x का मान हो जाएगा 17,000, क्लियर। अब यहां पे बनाइए ए बी सी का पूंजी क्या हो गया, तो ए का पूंजी हो गया एक्स प्लस 4 मतलब 17,000 प्लस 4,000 मतलब कितना हो गया 17,000 21,000 रुपया। बी का पूंजी एक्स मतलब 17,000 रुपया, सी का पूंजी एक्स माइनस 5,000 मतलब 17,000 माइनस 5,000 मतलब 12,000 रुपया, नहीं यही इसका पूंजी का रेशियो हो गया 21:17:12।
अब कहता है कि 35,000 रुपया के लाभ में एक लाभ क्या होगा, समय का जिक्र नहीं है, तो यही जो पूंजी हुआ यही ना हमारा लाभ हो जाएगा, यही लाभ का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि समय तो सबका कांस्टेंट है, बराबर है। अतः जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। मतलब ये अगर 21 रुपया लाभ लेगा तो 20 17 रुपया 80 कितना लेगा 12 रुपया, कुल लाभ 35,000 है। जोड़िए 7 1 8 2 10 के सुनना बाकी 1 3 1 4 1 5 अनुपातिक 50 बराबर 35,000 किसका पूछता है, तो ए का कितना लाभ है, ए का कितना हिस्सा होगा, तो 21 का मान निकाल दीजिए, तो 35,000 × 50 × 21 7 × 5 = 35,700 काटिएगा तो 7 × 2 = 14 14,700 रुपया आंसर। चलिए नोट कीजिए, चलिए देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, ये बिल्कुल रेशियो का क्वेश्चन है। कहता है एक व्यापार में समान समय के लिए ए बी सी इस प्रकार पूंजी निवेशित करता है कि लाभांश में से ए को 2 रुपया प्राप्त होता है तो बी को 3 रुपया प्राप्त होता है। मतलब ये कह रहा है कि ए को अगर 2 रुपया लाभ मिलता है तो बी को 3 रुपया मिलता है, ए को 2 रुपया तो बी को 3 रुपया। फिर बोलता है कि फिर बी को 5 रुपया मिलता है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बी को 5 रुपया प्राप्त होता है तो सी को 4 रुपया प्राप्त होता है, सी को 4 रुपया प्राप्त होता है लाभ। ये किसके बारे में बोल रहा है, लाभ के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब ए बी और सी के लाभ का हिस्सा क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिए बी कॉमन है, बी का मान यहां 5 यहां 3, ऐसा करते हैं कि ई वाला से इसमें गुना कर देते हैं और ई वाला से इसमें गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 10 अनुपात 15 और ये हो जाएगा 15 अनुपात 12, बी बराबर हो गया, तब निकल गया ए बी सी का, ए 10 तो बी 15, बी 15 तो सी 12। मतलब ये तीनों के लाभ का अनुपात निकल गया 10 अनुपात 15 अनुपात 12। अब कहता है इस प्रकार कुल लाभांश में से बी को 3,000 रुपया प्राप्त होता है, बी को 3,000, मतलब ये कि बी को यहां कितना है 15, वो कहता है 3,000, तो अनुपातिक 15 बराबर 3,000 रुपया। तो ए और सी के लाभ का अंतर क्या होगा, ए और सी के लाभ का अंतर, तो ए का 10 है और सी का 12 है, तो इसका अंतर क्या होगा 2, दो का मान निकाल दीजिए 3,000 / 15 × 2 तो 15 × 30 कितना हो जाएगा 400 रुपया। बस यही हुआ ए और सी के लाभ का अंतर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। चलिए नोट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। कहता है बी का पूंजी ए की पूंजी से दुगनी, मतलब बी का पूंजी ए की पूंजी की दो गुनी मतलब 2/1 मतलब 2:1 तथा सी की पूंजी से 3 गुनी है, मतलब बी का पूंजी जो है सी का पूंजी का 3 गुनी है, मतलब 3:1 है ना। अब यहां पे गौर कीजिए, बी कॉमन है, बी का 2 और यहां पे 3, तो इसको में अगर हम 3 से और इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6:3 और ए हो जाएगा 6:2, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:3, ए 3 तो बी 6, बी 6 तो सी 2, है ना। ये क्या निकला आपका पूंजी का अनुपात, ए बी सी के पूंजी का अनुपात। आगे बोलता है यहां पे गौर से प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्ष के अंत में 1100 रुपया का लाभ होता है जो कुल पूंजी का 1/10 है। मतलब ये कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/10 कितना है 1100, क्योंकि 1100 रुपया का जो लाभ होता है वह लाभ कुल पूंजी का 1/10 है। इसका मतलब कुल पूंजी है कितना, तो कुल पूंजी हो जाएगा 1100 × 10 मतलब 11,000 रुपया, है ना। यहां पे तीनों के पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 3:2, मतलब 3:2 9 2 11 अनुपातिक 11 = 11,000 रुपया। तो ए का पूंजी क्या है, मतलब 3 का मान निकाल देंगे तो 3 का मान कितना हो जाएगा,
ग्यारह हजार बटा 11 गुना 3 मतलब 3000 रुपया आंसर किसका पूंजी? ए का पूंजी। मतलब यह रेशियो का क्वेश्चन था शुद्ध रूप से। क्लियर? चलिए नोट कीजिए।